अब देखो बच्चों, मैं आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और ये है स्टीरियोमर्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप स्टीरियोमर्स में देखोगे टू टाइप्स के स्टीरियोमर्स मिलते हैं आपको, डाया स्टीरियोमर्स एंड एनांशियोमर्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है। तो स्टीरियोमर्स पहले तो ये बता दूं कि ये कहलाते हैं आइसोमर्स, ठीक है, विच आर ड्यू टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म, समझ गए बच्चों, इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है तो उसके कारण जो आइसोमर्स मिलते हैं उनको बोला जाता है क्या बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, ये स्टीरियोमर्स। ओके, अब देखो, अब इनमें से हम इनके देखें कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं और फिर उन्हीं में हम एग्जांपल्स लेंगे बच्चों, ठीक है। टाइप्स में एक तो होते हैं डाया स्टीरियोमर्स, क्या होते हैं, डाया स्टीरियोमर्स, और एक होंगे हमारे पास इनांशियोमर्स। तो डाया स्टीरियोमर्स मतलब ये कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज, समझ गए बच्चों, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते, आर कॉल्ड डाया स्टीरियोमर्स। उन्हें को क्या बोलते हैं, डाया स्टीरियोमर्स। एग्जाम्पल हैं जैसे, ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड फॉर्म, समझ गए बच्चों, इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड फॉर्म एक। दूसरा होता है सिस एंड ट्रांसफॉर्म। तीसरे आप देखोगे डी मीन्स डेक्सट्रोरोटेटरी प्लस मीजोफॉर्म, समझ गए ना बच्चों। इसी तरह से एल माइनस प्लस मीजोफॉर्म, ये है। तो ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते। देखो अब आपको सिस ट्रांस में ही बता दूं, जैसे यहां पर आपने देखा CH3, ये है H, ठीक है, और ये है H। अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म ले लें तो क्या होगा, देखो यही होगा ना। तो आप देख रहे हैं कि ये कोई मिरर इमेज है एक दूसरे के, नहीं है ना। तो ये क्या है, डाया स्टीरियोमर्स। ये दोनों क्या है बच्चों, डाया स्टीरियोमर्स। इक्लिप्स्ड फॉर्म, मीजो, इस तरह से आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखो ये लिखा है COOH, है ना, ये लिखा है OH, ये लिखा है OH, ये लिखा है OH, ठीक है, ये लिखा है OH और ये लिखा है COOH। और एक मैं ये बना दूं कि यहां पर जो है H है, यहां OH है, यहां OH है, यहां H है और यहां क्या है, COOH। तो ये क्या है, डी प्लस फॉर्म, ये क्या है बच्चों, मीजो फॉर्म, है ना। दोनों एक दूसरे के डाया स्टीरियोमर्स हैं। तो ये भी क्या है, डाया स्टीरियोमर्स। इस तरह से अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं डाया स्टीरियोमर्स के, ठीक है, फिर हम इनांशियोमर में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे पहला आप देखोगे कि दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखें कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लाइक एज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, ओके, एक्सेट्रा। ये है दूसरा पॉइंट है कि दे कैन सेपरेटेड वाय फ्रैक्शनल, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, ये है, और डिस्टिलेशन।
समझ गए ना, इनको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। और आप देखोगे जब रेशमाइजेशन में जो है रेशमिक मिक्सचर का रेजोल्यूशन किया जाता है तो वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से ही किया जाता है, पहले डाइस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये ऑप्टिकल, अब इनमें क्या होगा आप देखोगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव सभी प्रकार से जो हो सकते हैं देसो सिमिलर, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए बच्चों कि इनमें लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कुछ छोड़ दी जाए तो, बाकी लगभग सिमिलर वो केमिकली होते हैं, है ना, क्योंकि इनमें एक फंक्शनल ग्रुप तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, कि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इनकी लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम होती हैं। और भी देख लो फोर्थ पॉइंट में, दे आर डिफर इन स्टेबिलिटी में, कि इनकी स्टेबिलिटी में भी क्या होता है डिफरेंस होता है। आप देखोगे सिस ट्रांस में, सिस और ट्रांस अलग अलग की स्टेबिलिटी होती है, स्टेगर्ड और आप इक्लिप्स्ड फॉर्म है उनकी भी स्टेबिलिटी में डिफरेंस होता है, तो इस तरह के होते हैं। अब दूसरा देखो, अब हम दूसरे आइसोमर्स में आते हैं और ये है हमारे क्या इनांशियोमर्स। क्या है बच्चों इनांशियोमर्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं मिरर इमेज। ओके, कि ये क्या है मिनाइंसियोमर और या मिरर इमेज, तो ये कहलाते हैं कि दी ऑप्टिकल, ये केवल ऑप्टिकल में ही मिलेगा, दी ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ गए बच्चों, विच आर मिरर इमेज इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉट सुपर इम्पोजिबल। समझ गए ना, सुपर इम्पोजिबल, तो इनको कहा जाता है आर कॉल्ड इनांशियोमर्स। समझ गए बच्चों इनको क्या बोलते हैं, दे कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलेराइज्ड लाइट। समझ गए ना कि ये क्या कर सकते हैं, कि पोलेराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर सकते हैं। वन फॉर्म रोटेट्स प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज, ठीक है, देन अदर फॉर्म मतलब मिरर इमेज जो होगा उसका ये है इमेज रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अभी हम यहीं देख लें, ये है हमारे पास CH3 और ये है H और ये है OH और ये क्या है बच्चों COOH, तो इसका मिरर इमेज आप देखोगे वो ऐसा दिखेगा, यहाँ हो जाएगा H, ये है हमारे पास CH3 और ये क्या है COOH, तो एक ऐसे रोटेट करता है तो ये है, तो अगर हम ये कहें कि ये है निगेटिव और तो ये क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इस तरह से D प्लस और L माइनस मिरर इसमें आते हैं ये, तो इस तरह के आइसोमर्स। अब आता है कि इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कि अगर आपसे कहा जाए कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो देखो बच्चों ये फिजिकली बिल्कुल सेम होते हैं, केवल लाइट के प्रति इनका अलग अलग रोटेशन होता है, ठीक है, तो ये तो एक तो होते हैं दे आर ऑलवेज, समझ गए बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये हमेशा एक दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद
ऑप्टिकल इनएक्टिव, समझ गए ना, रिएक्टेंट। देखो फिजिकली तो बिल्कुल सेम है, और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव रिएक्टेंट्स होंगे, उनसे तो सेम रिएक्शन करेंगे, बट दे आर डिफर टू वर्ड्स, ठीक है, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पीपीएल, समझ गए ना। एंड केमिकली डिफर जो होते हैं, कली डिफर विद ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट्स। देखो अगर ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट से रिएक्शन करेंगे तो उसके उसके लिए ये डिफरेंट होते हैं बनने वाले प्रोडक्ट, एंड गिव, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखें, एंड गिव डाया स्टीरियोमेरिक आइसोमर, समझ गए ना, वो फिर एनाइसोमर नहीं होंगे। कि अगर कोई, जैसे ये देखो, ये है मान लो सी डबल ओ एच, ठीक है, और ये है एच, और यहां पर है मान लो सी एच थ्री, आपने इसकी रिएक्शन करा दी एच ओ, और यहां आर है, ये है सी एच थ्री और ये है एक, ठीक है। अगर हम ये ले लें इसका डी फॉर्म, समझ गए बच्चों, ये क्या है, सपोज डी फॉर्म, रिएक्टेंट हम एक ही रखें, ठीक है, तो एक तो प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा एच, यहां क्या है आर, ये क्या है बच्चों सी एच थ्री, यहां हो जाएगा सी डबल ओ, ठीक है, और यहां हो जाएगा सी, ये है आर सी एच थ्री और एक ये है एच। अब सपोज आपके पास एक और ऐसा है कि उसमें सी डबल ओ एच ऐसे है, एच यहां है, सी एच थ्री यहां है, और इसी के साथ आप रिएक्शन करा दो, तो आप देखोगे कि आपके पास अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, सी एच थ्री यहां आर यहां एच सी डबल, ठीक है, ओ सी, और फिर यहां आ जाएगा आर, ये हो जाएगा एच, ये क्या है सी एच थ्री। तो ये दो दो पार्ट है इनका, एक पार्ट तो ये वाला सेम है, ठीक है, कि जो रिएक्टेंट है ये वाला, और सपोज ये डी प्लस था तो ये क्या है एल माइनस, तो ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ये डाया स्टीरियोमर्स होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते, समझ गए बच्चों। तो इस तरह से डाया स्टीरियोमर्स बनाते हैं, ये है, तो इस तरह से इनका ऑप्टिकल बिहेवियर। जैसे अब हम एक एग्जांपल देखें कि ये लिखा है प्लस टू मिथाइल, समझ गए बच्चों, वन ब्यूटेनॉल, ठीक है, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल होता है ये तो होता है प्लस 5.78 डिग्री, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये होता है 128.9 केल्विन, और डेंसिटी होती है 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्म ले लें, मिथाइल वन ब्यूटेनॉल, तो इसका जो स्पेसिफिक एंगल होता है रोटेशन एंगल वो होता है -7.58, मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम यही है 128.9 केल्विन, और डेंसिटी भी वही है, समझ गए ना। तो ये दोनों इनान्सियोमर्स हैं, तो इस तरह से इनका जो है केमिकली फिजिकली तो नॉर्मल कंडीशन में सेम होते हैं, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट के प्रति इनका रिएक्शन अलग अलग होता है, बनने वाला प्रोडक्ट जो है डाइस्टीरियोमेरिक होता है, इसलिए उन्हें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से एक दूसरे से टोटली एक दूसरे से क्या कर सकते हैं बच्चों, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टीरियोमर्स के बारे में कि कौन कौन से होते हैं, तो मैंने वो आपको बता दिए, डाइस्टीरियोमर्स और इनान्सियोमर्स। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।